सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग द सेलेस्ट टॉक। इस वीक का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड हमें मैडिसन स्क्वायर गार्डन से देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और जेरो न्यूज़ ट्वीट करके हमें ये बता रहे हैं कि जो ब्लड लाइन का एक नॉलेज सेरेमनी होने वाला है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फाइंग होगा। अब इलेक्ट्रिक फाइंग का मतलब ये है गाइज कि वो टीज कर रहे हैं कि ब्रामाबुल द रॉक का रिटर्न होने वाला है। तो इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो और चलिए सली वीडियो को शुरू कर हैं। अब गाइस, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि इस वीक का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड हमें WWE के सबसे पुराना हिस्ट्री वाला एरिना से देखने को मिलने वाला है, यानी कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन से देखने को मिलेगा। और इस एरिना का कैपेसिटी करीब बताया जा रहा है कि 17,000 से 18,000 ऑडियंस का है। और गाइस, WWE अनाउंस कर रही है कि ब्लड लाइन का हमें एक नॉलेज सेरेमनी देखने को मिलने वाला है। और गाइस, आपको पता होगा कि सोलो सिकुआ का जो न्यू ब्लड लाइन है, उसमें टोटल 4 मेंबर हो चुके हैं सोलो सिकुआ को जोड़ के। लास्ट वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें जेकब फाटू का डेब्यू देखने को मिलता है। और जेकब फाटू के डेब्यू के बाद और ये वाला जो ब्लड लाइन है, यानी कि ब्लड लाइन 2.0, ये काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है। और ऐसे में गाइस, इनका हमें एक नॉलेज सेरेमनी देखने को मिलने वाला है। तो जेरो न्यूज़ ट्वीट करके हमें ये बता रहे हैं कि जो इस वीक का स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है, वहाँ पे हमें इस चीज़ को, यानी कि इस वाले सेरेमनी को मिस नहीं करना चाहिए। इस वाले सेरेमनी में हमें कुछ इलेक्ट्रीफाइंग देखने को मिलने वाला है। तो मेरी गाइस, इलेक्ट्रिक फाइंग का मतलब ये है गाइस कि ब्रामाबुल द रॉक का ये टीज है। तो हो सकता है कि इस वाले एक्नॉलेज सेरेमनी में ब्रामाबुल द रॉक को एक्नॉलेज कर सकते हैं सोलो सिकुआ, जेकब फाटू, टामा टोंगा, टोंगा लोवा जैसे सुपरस्टार। ऐसा हमें समझ में आ सकता है कि जो न्यू ब्लड लाइन है, उसके मेन हेड ऑफ द टेबल और कोई नहीं बल्कि रॉक है, और रॉक टॉप ऑफ द बॉटम में बैठने वाले हैं। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में एक्नॉलेज सेरेमनी में हमें क्या देखने को मिलता है। क्या सोलो सिकुआ खुद को अपने आप को बोलते हैं कि वो रियल हेड ऑफ द टेबल हैं, या ये मतलब ये जो चारों सुपरस्टार हैं, ये लोग हेड ऑफ द टेबल का जो स्पॉट है वो रॉक को देंगे और रॉक आके न्यू ब्लड लाइन के मेन मेंबर बन जाएंगे। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और जेरो न्यूज़ ने भी हमें ट्वीट करके बताया है कि हमें इस वाले सेरेमनी को मिस नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं गाइस कि हमें क्या देखने को मिलता है। रॉक का रिटर्न होता है, जिमी उसो आते हैं या रोमन रेंज आते हैं। लेकिन अभी के लिए गाइस, जेरो न्यूज़ का कुछ यही कहना है। और गाइस, इसके बारे में आपको क्या कहना है आप मुझे जाके बता सकते हो। वेल, देखो जो भी होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। MSG में है सो, यानी कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में शो है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो देखते हैं, अभी तो लास्ट वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में जेकब फाटू का डेब्यू हुआ है, तो किसी और का भी अब WWE डेब्यू करवाएगी या नहीं, लेकिन जो भी होगा गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और अभी के लिए मैं इस वीडियो में यही बोलूँगा कि कल का स्मैकडाउन आप मिस मत करिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।